देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे ना। बॉन्डिंग होती है जो है, ये अपने सबसे पहला रीजन यही समझेंगे कि हर एक एलिमेंट का बेसिक नेचर क्या होता है, स्टेबिलिटी अचीव करना। एलिमेंट का नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका बेसिक जो टेंडेंसी होती है वो क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, स्टेबल होना चाहते हैं सभी। और जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे कही जाती है, ये कब कहते हैं उनको कि ये स्टेबल हो जाएंगे, जब इनका आउटमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। जब ये कैसे बन जाए, 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स के जैसे बन जाए। अगर फर्स्ट शेल किसी का आउटमोस्ट शेल है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, या बाकी जितने कोई भी हैं तो फिर उनके आउटमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इनका लाइफ का मेन एम क्या रहता है, इनका ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये इनका एम रहता है। और ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के इनके पास 3 तरीके हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए 3 टाइप्स की बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। इज इट क्लियर टू यू? तो हम ये समझेंगे कि जितने भी एटम्स होते हैं वहां पर स्टेबिलिटी का मतलब होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इनर्ट गैसेस वाले कंफिग्रेशन के जैसा हो जाना चाहिए, ठीक। और अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की जैसे बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटमोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम 18th ग्रुप की बात कर लें तो 18th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट आता है हीलियम। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, HeNe। तो इसमें कितने आ जाते हैं, 2.8, ठीक है। और फिर ऑर्गन आ जाता है 18 नंबर का, तो 2.8.8। इस तरह से सब चलते रहेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स हमें मिलेंगे उन सबका बेसिक नेचर क्या होता है, उन सबका बेसिक नेचर, सारे एलिमेंट्स का बेसिक नेचर ये होता है कि हम इनके जैसा कंफिग्रेशन अचीव कर लें, हम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लें, फुलफिल कर लें और स्टेबल हो जाए, जिससे कि इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सके। अभी कोई भी एटम जो है एटम वाली स्टेट में क्या क्या नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। डिड यू गेट दिस? हाँ, चॉइस तो एक ही है, उनको तो ऑक्टेट कंप्लीट ही करना है। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने का हो सकता है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ऐड कर लो या उसमें से कुछ माइनस कर लो। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, HLiNaKRbCSFr। इसको देखें, सेकेंड ग्रुप पे आ जाएंगे तो BEMG CASR BA और RA। इधर जरा 17th ग्रुप की बात कर लो तो 17th ग्रुप में कौन आ जाएंगे, FCl Br I and AP। F का जो कंफिग्रेशन है ये 2.7 है, और यहाँ वाले का कंफिग्रेशन क्या है, 2.1। इसका कंफिग्रेशन, अब ये जो चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल हमने बताया कि कैसे करना चाहते हैं, किसके जैसा ये बनना चाहते हैं, इनके जैसा। इनका नाम है नोबल गैसेस या फिर आइडियल गैसेस भी कह सकते हो। इन सारे एलिमेंट्स के आइडियल्स ये हैं। आइडियल ये दो, जैसे आपके कोई आइडियल होते हैं आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो ये भी इनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन इनमें से जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बिल्कुल पड़ोसी कौन है, बिल्कुल पड़ोसी है नियॉन। तो फ्लोरीन जो है इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये चाहता है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसा हो जाए, 2.7 है, 2.8 हो जाए। तो इसकी टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और हम भी इनके जैसे बन जाए, क्योंकि ये इनके बिल्कुल पड़ोस पे है। तो अपने पास वाले
नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहते हैं अपने पास वाले में। अब जैसे आप लिथियम को देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और इसका नियॉन का कितना है? 10। तो लिथियम वाले पीरियड में, सेकंड पीरियड में जो इनर्ट गैस है वो है नियॉन, लेकिन ये नियॉन के जैसा नहीं बनना चाहेगा, ये किसके जैसा बनना चाहेगा? हीलियम के जैसा, क्योंकि इसके पास में कौन है? हीलियम है। इसीलिए लिथियम, लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 2.1, ये इससे क्या बनना चाहता है? 2 बनना चाहता है। इसीलिए इनकी टेंडेंसी क्या होती है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और इनका वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दे। समझ गए क्या? ठीक है, तो यहाँ हम इस बात को और ऐड करेंगे कि कोई भी एलिमेंट की टेंडेंसी अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की होती है, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं। ये इनको ऐसे ही रख के एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, इसीलिए वो मेटल्स हो गए हैं और ये वाले नॉन मेटल्स हो गए हैं। समझ में आ गया कि बात? ठीक है, तो आप सारे कॉन्फ़िगरेशन आप देख ही पा रहे होंगे। बेसिक एम, व्हाट इज द एम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? बाय कंप्लीटिंग देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ ही लेकर के चलना है, तो हमें कुछ एलिमेंट क्या आपके पास ये है, फिर ये भी ड्यूप्लेट बनाएगा, ये भी ड्यूप्लेट ही बनाएगा, तो या तो अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे ये, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अब ये कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, अब ये समझना है कि करते कैसे हैं। तो यहां पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं इनका कनेक्शन इन वालों के साथ हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो इनमें आपस में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, और उसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। उनके बीच में आपस में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक तरह की फ्रेंडशिप हो जाएगी, एक तरह का आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक हो गई बात? सो द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने समझा दिया आपको, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड बिकम स्टेबल, ये इनका टारगेट होता है लाइफ का। चलते हैं आगे। ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन एटम्स। अब जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर इस तरह से लेन देन कर रहे होते हैं, तो इनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, भाई इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जिनको आपस में रिक्वायरमेंट है आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, तो एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो आपस में अटैच हो जाते हैं और उस अट्रैक्शन फोर्स को ही केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ये फिजिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे से ये एक अट्रैक्शन फोर्स से अटैच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज द केमिकल बॉन्ड। इट मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। डिड यू गेट दिस? क्लियर होगी बात? अब देखिए, ये जो रिश्तेदारी इनमें बनने वाली है, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने वाली है, वो कितने तरह की हो सकती है, ये डिपेंड करेगा किसको कितने की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम 13 ग्रुप में चले जाएंगे तब हमारे पास कौन आएंगे? बी ए एल जी ए आई एन बी एल, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले भी, अब इन्हें देखो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 हैं, तो इनको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 5। 5 एक बड़ा नंबर है,
और अगर ये अपने नियरेस्ट दूसरे वाले हीलियम के जैसा बनना चाहेंगे तो तभी भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना इजियर होगा, इसलिए ये बोरॉन भी क्या करना चाहेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहेगा कि भैया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आप ले जाओ मुझे। ओके, इसके बाद वाले ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन फैमिली आएगी इनके पास है 2.4। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे तो बिल्कुल मिडिल में आ गए 8 के। अब चाहे इनको वैसा उधर वाला बनना है, हीलियम जैसा बनना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और ये बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जो है बड़ा नंबर आ गया, तो इसलिए क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग ये सोचेंगे कि अगर हम किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन से कौन लेके जा सकता है, जिसे 4 की जरूरत हो वही तो ले सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हें खुद 4 की जरूरत है तो उसे भी 4 की रिक्वायरमेंट है, इन्हें भी 4 की रिक्वायरमेंट है, तो सेम लेवल वाले हो गए। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल करके पार्टनरशिप कर लेते हैं, इक्वल इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं और ये बनाते हैं फिर अलग तरह के बॉन्ड्स। डिड यू गेट दिस फाइन? तो यहाँ हमारे पास 3 तरह के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक ये वाले जो इधर के रीजन में है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं बस इलेक्ट्रॉन ले जाओ हमसे, हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये 7 कहीं से मिलना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट आसानी से हो जाएगा। यहाँ तक ये सभी ऐसा ही करेंगे, ये शेयरिंग कर लेंगे, ये दूसरे तरह वाले हो गए। जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब हम समझेंगे कि इन सभी में किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए आप 3 छोटे छोटे एग्जांपल समझ लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग मतलब हुआ एक तरह का बिजनेस, ठीक है। 3 मतलब 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकता है समझिए। सबसे पहला वाला जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड, ये उस तरह के एटम्स के बीच में बनते हैं जिनमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना चाहता है और दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहता है, कंप्लीटली डोनेट कर दिया। जैसे 2 लोग हैं, एक बहुत रिच पर्सन है, ठीक है, और एक दूसरे उनके कोई फ्रेंड है। ये जो रिच पर्सन है, ये ऐसे मान लीजिए ये लिथियम है, जो बहुत रिच पर्सन है, इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए यहाँ पड़े हुए हैं और 1 लाख रुपए बाहर वाले अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये वाले 2 लाख रुपए फिक्स डिपोजिट है, नो एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी है, ये फिक्स हो रखा है, ये निकल नहीं सकता। लेकिन बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल का जो है ये फ्री है लेन देन करने के लिए, तो ये कह रहे हैं। और इनकी इनसे ही प्रॉब्लम हो रही है संभाल के रखने में। तो इन्हें दिखा कि इनका फ्रेंड जो क्लोरीन है उसे 1 लाख रुपीज की जरूरत है। तो ये क्या कहते हैं क्लोरीन से, भैया आप हमारे से 1 लाख रुपए ले जाओ, आप ले जाओ, आप हमारे फ्रेंड हो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली पूरी तरह से 1 लाख रुपए उन्हें कर देते हैं डोनेट। डोनेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, जब ये लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इनके पास बचे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनका कॉन्फ़िगरेशन उसके जैसा हो गया हीलियम के जैसा, तो इनकी समस्या भी सॉल्व हो गई, स्टेबल हो गए, ठीक है। और अच्छी बात क्या हुई, जब इन्होंने डोनेट कर दिया तो उसकी नजरों में इनकी इमेज अच्छी बन गई कि भाई इन्होंने हमारी हेल्प कर दी, तो इनके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो सोसाइटी में इन्हें एक अच्छी रेपुटेशन भी मिल गई कि भैया डोनर है, ये हेल्प कर देते हैं जिसे जरूरत होती है उसकी, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब उसने क्या किया, फ्लोरीन ने, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गए 2.8, लेकिन साथ में वो इनका क्या हो गया, ऋणी हो गया, ऋणी यू नो, यस, कर्जदार, तो उसे माइनस कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये इनके ऋणी हो गए तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया,
और फिर इन दोनों में आपस में आप जब ये कहीं इनको मिलेंगे तो इन्हें तो सैल्यूट तो करेंगे, हाय हेलो तो करेंगे, तो ये साथ में रहेंगे हमेशा, तो इस तरह की बॉन्डिंग मिलेगी Li प्लस F माइनस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आयंस बनेंगे, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कैटायन बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो एनायन बन जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो होते हैं वो यही वाले होते हैं जो कंपाउंड सॉरी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये टू अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बनते हैं। Did you get this? जो फोर्स इनके बीच में हुआ उसको आप क्या कहेंगे, आयनिक फोर्स, और जो बॉन्डिंग हुई उसे क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया क्या? इनकी दूसरी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी, दीज आर आयंस, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो इनका अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में कैटायन और एनायंस अलग अलग हो जाएंगे, एक्वा सॉल्यूशन जैसे वाटर में डाल दें इन्हें, और फिर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं इनके सॉल्यूशंस। बात समझ में आई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कंप्लीटली डोनेट करने से और गेन करने से बनते हैं, इनमें आयंस अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं एक्वस स्टेट सॉल्यूशन में, ये प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे कहते हैं डोनर एटम, और जो गेन करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर एटम, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक। एक हो गई बात, तो इन दोनों ने इस तरह की रिलेशनशिप की, ऐसा एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें फ्लोरीन अकेले जो है बिजनेस नहीं बना पा रहे थे क्योंकि इनके पास 1,00,000 रुपया कम था, तो इनके फ्रेंड लीथियम ने इनको 1,00,000 रुपया पूरी तरह से डोनेट कर दिया। बस क्या हुआ, इन्होंने शॉप के ऊपर नाम दोनों का लिखवा दिया LiF, ठीक है, लीथियम फ्लोराइड हम इसको बोलते हैं। Is it clear to you? इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड मिलेगा आपको, अच्छा पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख सकते हैं और कोई डेफिनेशन देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर फॉर्म एन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। कैटायंस एनायंस बन जाते हैं इसमें, और इक्वेशन आप दिखा सकते हैं, जैसे यहां पर अगर इसको लिथियम आयन के बनने की प्रोसेस दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, Li माइनस वन इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म्स Li प्लस, और फ्लोरीन रिसीव्स वन इलेक्ट्रॉन एंड F माइनस। ओवरऑल इन दोनों को दिखा देंगे, Li प्लस F फॉर्म्स LiF, ऐसे लिख सकते हैं एक साथ। Did you get this? Electrovalent compounds formed as a result of the transfer of electrons from one atom to another element, that is called ionic compound. Number of electrons that an atom of element loses or gains is known as electrovalency. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ यहाँ पर, वन इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, तो ये क्या कहलाएगी, इनकी इस एलिमेंट में दोनों की इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है, इस कंपाउंड में सॉरी वन, ठीक है। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, मार्क भी कर सकते हैं आप। वॉट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये जो आयन है, कैटायन जो बना रहा है, इसका इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं,
आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, जिससे कि इजीली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हें पता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन देना है, अब फ्लोरीन आ गया भैया एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दे दोगे क्या? तो ये बहुत रिक्वेस्ट करवा रहे हैं भैया, दे देंगे, टाल रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे किसी से आप हेल्प मांगने जाओ टालते रहते हैं, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इसे ओके। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें पता चले जैसे ही अच्छा हमारे दोस्त को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चलो तुरंत ले जाओ भैया, तुरंत हो जाना चाहिए रेडीली। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? लो, थोड़ी सी एनर्जी लगे और उसी से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब कैटायन शुड बी फॉर्मड इजीली, ये होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका ये सेकंड वाला एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगी? वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाती है, और गेन करने वाले के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा भी होना चाहिए कि ये तो बहुत दानवीर है, चलो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दूसरा एक्सेप्ट करने को भी तो तैयार होना चाहिए, तो उनको भी इतनी ही नीड होनी चाहिए जितनी ये देने की टेंडेंसी रख रहे हैं। तो ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और तुरंत एनायन बन जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे पता चलता है कि किसको ज्यादा जरूरत थी, या कौन रेडीली एक्सेप्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने क्या बताया था, जब किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जितनी खुशी होती है तो खुशी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना? भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन मिल गया, बहुत खुश होना चाहिए, तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ये दो कैरेक्टरिस्टिक याद रह जाएंगे आपको। तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवर्स आयनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में ये वाले एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं और ये वाले इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए इनके कैटायंस और एनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? अगर एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ गए तो उनमें भी आपस में यही सोचते रहेंगे इलेक्ट्रॉन दें कि ना दें, गेन करें कि नहीं करें, यस और नो? तो यहां से ये बात समझ में आती है कि अगर टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बहुत इजीली हो जाता है। देयरफॉर मोर इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इसके लिए कौन कौन सुटेबल होंगे? फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स और 17th ग्रुप के नॉन मेटल्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा मिलेगा। तो ये मोस्टली ये वाले जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको दोनों ग्रुप्स के, वो आपस में कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। देन ग्रुप वन एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दैट इज दे आर मेटालिक इन नेचर, एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई गई थी? वैल्यू 4.0, ऑक्सीजन की 3.0, और फिर नाइट्रोजन आएगा 2.5 पर, है ना? अब आपको ये बताया जा रहा है कि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसमें होगा, किन किन के बीच में बनेगा? सीजियम और फ्लोरीन के बीच, ठीक है? क्योंकि सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने के लिए बिल्कुल तैयार है, सबसे ज्यादा दयालु यही हुए। और फ्लोरीन
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बिल्कुल रेडी अवेलेबल, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल, ये इतने स्टेबल क्यों होते हैं। रीजन हमने आपको बता ही दिया है वैसे कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है कैटायंस और एनायंस के बीच में। रियल में एक कैटायन और एक एनायन एग्जिस्ट करता है, कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को फोर्स लगा करके अट्रैक्ट करते हैं और रियल में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उन्हें तोड़ना मुश्किल है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अंडरस्टूड एवरीवन? देयर आर मेनी एग्जांपल्स गिवन हियर, NaCl, Na फर्स्ट ग्रुप से आया, Cl 17th ग्रुप से आ गया, सेम प्रोसेस हो जाएगी, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, Na प्लस बनाएंगे, Cl माइनस बनाएंगे। कॉमनली ऐसे लिख देते हैं, अगर इनको आयनिक फॉर्म में लिखना है तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर हम Cl के साथ कराएं तो मैग्नीशियम और Cl की बॉन्डिंग कराएं आपस में तो Mg के पास कितने होते हैं, 282। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन Cl को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। Mg 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं किसी को तभी स्टेबल हो पाएंगे, लेकिन एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा इसलिए इनके साथ 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl होने चाहिए। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बन जाएंगे, MgCl2 बन जाएंगे। Did you get this? Okay. कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का क्या कॉन्फिगरेशन होता है, 2,6। फाइन, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब हम इनको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं किस तरह से, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपसे कह देंगे NaCl MgCl2, ये वाला बहुत कई बार आया है MgCl2 वाला, कि इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए किस तरह से ये वर्क करते हैं। इसे तो के नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसे कोई प्रॉपर स्केल नहीं है, इसके वैल्यूज नहीं पूछते हैं। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स। ये हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। So we are talking about NaCl compound, NaCl. कैसे काम करेंगे, आप लिखेंगे पहले Na, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स में कॉन्फिगरेशन 2,8,1। क्लोरीन लिखेंगे आप, 17 इनका एटॉमिक नंबर होता है और फिर 2,8,7। आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस में 11 सोडियम के लिए 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, कितने शेल्स बनाए जाएंगे, 1, 2, 3। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सीएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 17 Cl 35, so 17 protons हैं और 18 neutrons हैं, 1, 2, 3 shells हैं इनके पास। First shell में 2 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर आपको ये शो करना है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको
डोनेट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये वाला वन इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आउटर मोस्ट शेल में जाते हुए ऐसे, और फिर आप बताएंगे बाद में स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका। बाद में स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये तो है न्यूक्लियस, वन टू शेल्स रह जाएंगे यहाँ पर, टू इलेक्ट्रॉन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इनके ऊपर अब क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, Na प्लस बन गए, ठीक है। और इनके साथ में वन इधर न्यूक्लियस हो गया, वन टू थ्री टू इसमें हो गए, एट फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां पर आप देखेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये वाला इधर को और ये वाला इधर को दोनों अट्रैक्शन होते हुए दिखा देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैटायन है और एनायन है। इज इट क्लियर टू यू? कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2.8 और इनका 2.8.8। इज इट फाइन? आप यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियस में इनके नेम भी लिख सकते हो तो पहचानने में बेटर हो जाएगा इस तरह से। Got it? उसके बाद फिर फाइनली आप दिखा देते हैं Na और Cl, ये इतना ही हो जाएगा इसमें, बॉन्डिंग हो गई इनके बीच में। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, ऑर्बिट वाला, जिसमें आपको ऑर्बिटल्स बना के दिखाने हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स हैं। इज इट फाइन टू यू? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो करना है, डॉट्स की हेल्प से, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बस दिखाने हैं। तो आप दिखा देंगे, एक सोडियम है हमारे पास जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और सीएल क्लोरीन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स है, इनको डोनेट कर देते हैं Na प्लस Cl, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और फिर ये Na और यहाँ पर Cl, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, क्लियर। इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आते हैं, आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं इनको, और अगर ये वाला आएगा तो ये वाला बना के दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? फाइनली लास्ट में आप ये हटा देंगे इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ ऐसे दिखा देंगे Na प्लस एंड Cl माइनस, ऑर्बिट स्ट्रक्चर, ऑर्बिट ये शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, एनी प्रॉब्लम? MgCl2 का और एक बार एक देख लेते हैं एग्जांपल, MgCl2 सो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2.8, और Cl का तो वो लिखा ही हुआ है, तो Mg में दिस इज द न्यूक्लियस, 1 2 3 शेल्स, फर्स्ट में 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में 2। इधर बना देंगे Cl, 1 2 3, एक Cl इधर बना देंगे, 1 2 3, इज इट ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 1
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस वाले शेल में और ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देंगे इधर वाले शेल में। तो इसके बाद वाले स्ट्रक्चर में Mg और यहाँ बनाएंगे आप ओनली टू शेल्स 2.8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ Cl के पास बनाएंगे आप 3 शेल्स और इस वाले Cl के पास भी 3 शेल्स और तीनों में कितने पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले में 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा। Mg के ऊपर प्लस 2 चार्ज आ जाएंगे और Cl के ऊपर -1 और यहाँ पर -1 ये इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Mg के पास एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देंगे, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रॉस बना के दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस बनाकर। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, इधर से इनको दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे Mg प्लस प्लस और ये Cl माइनस और यहाँ पे Cl माइनस एक साथ लिखेंगे तो Mg प्लस 2 और Cl 2 और Cl 2 के ऊपर माइनस के 2 हो जाए। इसे क्लियर? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स का या आयनिक बॉन्डिंग जो होती है इसको कहते हैं। डिड यू गेट दिस? ओके सो ऑर्बिट स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम ऑक्साइड में टू इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो जाएगा, उसमें अलग बात नहीं है। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं आयनिक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शंस किस तरह की हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है। जैसे आप देखिए Na ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये क्या बन गए Na प्लस। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। हमने आपको याद कराया था कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज मतलब नेगेटिव चीजों को एक्वायर करेगा तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर कैसा हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिडक्शन हो गया यहाँ पे। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उनको कंबाइंडली क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। व्हाट इट Na का Na प्लस में ऑक्सीडेशन हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ से इंक्रीज होकर 1 हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर था 0 और ये डिक्रीज होकर के -1 हो गया। सिंपली अगर कोई चाहे तो ऐसे भी याद रख सकता है, आंखें खोल के देख सकते हैं कि 0 से 1 इंक्रीमेंट होने का मतलब है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन हो गया। ये एक इजी तरीका है। डिड यू गेट दिस? तो इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो वहां पर कैसी रिएक्शंस होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। समझ में आया? ठीक है।
एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। थ्री डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, आपको याद होंगी, याद है क्या? ऑक्सीजन का ऐड होना, पहले सबसे पहले नेम से याद रखो, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। बस सिंपल हो गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का नेचर क्या, सॉरी, ऑक्सीजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एड होना, जैसे ऑक्सीजन नहीं होगा तो सल्फर होगा या क्लोरीन होगा, इस तरह के किसी भी एलिमेंट का एड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और इनके अपोजिट वाले कौन हुए? पॉजिटिव नेचर के, जैसे हाइड्रोजन है, H प्लस आयन बनाता है, इनका रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन। नेगेटिव का एड हो जाना, पॉजिटिव का रिमूव हो जाना, समझ में आया? ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस भी अगर कहेंगे तो उसे रिडक्शन बोल देंगे। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना इज रिडक्शन, समझे? और थर्ड डेफिनेशन ये वाली है। तो यहां पर एक एग्जांपल हमें दिया है इन्होंने, Fe2O3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, और ये बन जाता है Fe+Al2O3। अब आप मेटल्स को तो जानते ही हो, मेटल्स का नेचर कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, हम पढ़कर आए हैं, क्यों? बिकॉज वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। Yes or no? जैसे कि जो टबैको बेचने वाली कंपनियां हैं, तो वो दूसरे के अंदर टबैको की लत ही तो डाल रही है, उनको रिड्यूस कर रही है, खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, पैसा कमा रही है। Yes or no? तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ओके, तो मेटल, यहां पर एल्यूमिनियम मेटल है, ये मेटल क्या कर रहा है? मेटल क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। और आप समझिएगा, यहां पर Fe2O3 है, आप बता सकते हैं Fe की वैलेंसी क्या होगी इसमें? Fe की वैलेंसी यहां पर है +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां पर है, वैसे वैलेंसी में प्लस माइनस होता ही नहीं है, कहना भी नहीं चाहिए। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे इसे, 3 है, और ऑक्सीजन की स्टेट 2 है। यहां पर जो Fe बनकर आया है, इसकी स्टेट बताओ क्या है? इसकी स्टेट है 0, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ ना, ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, ना कोई चार्ज है इसके ऊपर, तो ये 0 स्टेट में है। तो पहले ये था 3 स्टेट में, जब ये बने होंगे, रिएक्शन हुई होगी, तो Fe+3 रहा होगा और O-2 रहा होगा, इन्होंने कंबाइन करके Fe बनाया, मतलब ये Fe2O3 बनाया था, फिर बाद में एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Fe बन गया। तो यहाँ Fe था +3 स्टेट में, और अब कितने में आ गया? 0 में। तो 3 से 0 में कम हो गया स्टेट, या बढ़ गया? कम हो गया। कम होने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो Fe2O3 का क्या हो गया Fe में? रिडक्शन हो गया है। किसने किया ये रिडक्शन? एल्यूमिनियम ने किया। तो ये क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, इन्होंने रिड्यूस किया है। और ये खुद क्या हुए होंगे? ऑक्सीडाइज हुए होंगे। कैसे हुए होंगे? सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम अकेले थे पहले, यहाँ देख रहे हैं तो इनके पास में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, दूसरे इसमें से ऑक्सीजन का रिमूव हो गया, ऑक्सीजन सिंपल लैंग्वेज में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर और नॉट? अब ये यहां अगर दूसरे तरह से भी समझना है तो बताओ एल्यूमिनियम किस स्टेट में है? यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस थ्री स्टेट वाला है और ऑक्सीजन माइनस टू स्टेट वाला है, तभी तो ये फॉर्मूला बन के आया होगा। इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। एल्यूमिनियम पहले किस स्टेट में था? जीरो स्टेट में। एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज है, कुछ नहीं है। जीरो से कितने में आ गया? प्लस थ्री में बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? एनी डाउट इन दिस? केमिकल बॉन्ड पर हम कल डिस्कशन कर लेंगे, अभी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेते हैं।